नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे खबरों का। संभल में अरबों रुपए की सरकारी जमीन को खुर्द बुर्द करने का बड़ा घोटाला सामने आया। तहसील प्रशासन के साथ गार्ड से पूरा खेल हुआ है, जिसे मौजूदा तहसीलदार देवेंद्र मणि त्रिपाठी ने पकड़ा है। वही SDM ने जमीन को पुरानी श्रेणी कर उसे जैसे का तैसा करने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। अरबों के जमीन घोटाले का हैरान कर देने वाला पूरा मामला गुन्नौर तहसील के गाँव मीरपुर का है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार यहाँ सिंचाई विभाग की 145 हेक्टेयर जमीन को कंप्यूटर में चढ़ाकर उसकी श्रेणी बदल दी गई, जिसके बाद जमीन पर काबिज अस्थाई पट्टेदार सरकारी जमीन के मालिक बन गए। कुछ ने जमीन को बेच दिया, तमाम ने किसी जैसे की ऋण ले लिया। आपको बता दें कि उक्त जमीन सिंचाई विभाग और रेलवे की है, जो 10 मिल्कियत सरकार और ZA की श्रेणी में आती है, जिसे किसी भी व्यक्ति को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता और ना ही स्थायी पट्टा किया जा सकता है। मगर बगैर शासनादेश और कानून के जमीन की श्रेणी को जमीन को कंप्यूटर में चढ़ाकर, जिसके बाद कंप्यूटर में जमीन पट्टेदारों के नाम चढ़ गई और लोग इस सरकारी जमीन को बेचने लगे हैं, उस पर बैंक से लोन लेने लगे हैं। और पूरा खेल 2012 में तब हुआ जब खतौनी कंप्यूटराइज हो रही थी। संभल में गंगा नदी बार बार उफान मार रही है। एक पखवाड़ी से राजघाट में गंगा का पानी खतरे के निशान के आसपास बह रहा है। तहसील क्षेत्र के दर्जन भर गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं गांव में बाढ़ के मद्देनजर प्रशासन समुचित इंतजाम का दावा कर रहा है। GM मनीष बंसल ने बताया कि फिलहाल बाढ़ की स्थिति नहीं है, बाढ़ से निपटने को प्रशासन के पूरे इंतजाम है। बांधों की मरम्मत कर दी गई है, बाढ़ चौकियां बना दी गई है, दवा भोजन से लेकर सभी व्यवस्थाएं पूरी होने का DM ने दावा किया है। संभल में एक विवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। महिला की गनाजे से हत्या की गई है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी ससुराली फरार है। मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों का कहना है कि दहेज के खातिर बेटी की हत्या कर दी गई। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है। पहले भी पुलिस ने आरोपी ससुरालियों के खिलाफ शिकायत की मांग की थी और पुलिस ने शिकायत को अनसुना कर दिया था। विवाहिता की हत्या से गाँव में दहशत है। हयात नगर थाना इलाके के गाँव लहरा कमगर का पूरा मामला है। बद्रीनाथ धाम में अभी तक 10 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पिछले कई रिकॉर्ड टूट गए हैं। धाम में बारिश के बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालु नारायण की पूजा अर्चना कर धन्य खुद को समझ रहे हैं। अभी तक धाम में 10 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार हो चुका है और यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। यानी कि जितने भी रिकॉर्ड थे वो रिकॉर्ड इस साल टूट गए हैं। आपको बता दें कि 2 साल से यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध था कोरोना की वजह से, लेकिन इस साल तमाम यात्राएं, तमाम जो धार्मिक सम्मेलन है वो खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से भक्तों के मन में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी संख्या में लोग चारधाम यात्रा हो या तमाम जो धार्मिक सम्मेलन है उसमें शामिल हो रहे हैं। जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने जिले के सबसे दुर्गम क्षेत्र निजमुरा घाटी का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी है। समस्त विभागों को ग्रामीणों की समस्या के समाधान और सड़क को शीघ्र खोले जाने के निर्देश दिए गए। गुरुवार को जिलाधिकारी चमोली विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ दशौली ब्लॉक निजलुमा घाटी में पहुंच गए। इस दौरान ग्रामीणों ने अपना ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में पुष्प देकर जिलाधिकारी का स्वागत किया और अपनी ग्राम पंचायतों की समस्याओं से अवगत कराया है। ग्राम गाड़ी निजुमला, व्यारा, दुर्मी, पंगना, पाणा, ईरानी के ग्रामीणों ने अपने गांव की समस्या के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के मौसम में सड़क बंद होने से आवाजाही के लिए ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपातकालीन स्थिति में बीमार और गर्भवती महिलाओं की जान बचाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। निजुमला घाटी में जो पाणा ईरानी PMJ सहायता रोड है, कि समय समय पर शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो काम है वो धीमी गति से चल रहा है और जो बीच में पुल, 2-3 पुल निर्माण होने हैं, वह भी काफ़ी धीमी गति से हो रहे हैं। तो उस क्रम में आज संपूर्ण जो हमारा ये रोड है उसका निरीक्षण किया जाए। तो जहाँ जहाँ पर ऐसे स्लिप है और रोड बंद है आपदा के कारण, तो उसको एक हफ्ते में क्लियर करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ जो लंबित काम है आगे, जो ईरानी तक रोड जानी है, साथ ही साथ जो ब्रिजेज उसमें बनने हैं उसके लिए उनको
प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं कि टाइमली वो कंप्लीट करेंगे और उसकी वीकली रिपोर्ट देंगे। दिल्ली से फरुखाबाद जा रही फरुखाबाद डिपो के एक रोडवेज बस सुबह सुबह अलीगढ़ के थाना रुरावर अंतर्गत फ्लाईओवर के नीचे गिर गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, 25 घायल बताए जा रहे हैं। रोडवेज अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे गिरी है और अलीगढ़ के एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने प्रभात खबर को बताया कि अलीगढ़ के थाना रुरावर अंतर्गत फ्लाईओवर से फरुखाबाद डिपो की एक बस दिल्ली से फरीदाबाद जा रही थी और तभी अचानक फ्लाईओवर से उतरते हुए अनियंत्रित होकर बस नीचे गिर गई। तो अलीगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली से फरुखाबाद के लिए ये बस निकली थी लेकिन अलीगढ़ के इलाके में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। दिल्ली से फरुखाबाद जा रही फिरोजाबाद डिपो की बस सुबह सुबह दुर्घटनाग्रस्त हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलीगढ़ की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि मीडिया से मुखातिब होकर एसपी सिटी कुलदीप सिंह ने बताया कि अलीगढ़ के थाना रोरावर अंतर्गत फ्लाईओवर से फरुखाबाद डिपो की एक बस दिल्ली से फरुखाबाद जा रही थी तभी अचानक फ्लाईओवर से उतरते हुए अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। 25 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कईयों की हालत गंभीर है। आनन-फानन में आसपास के लोगों को बुलाकर तमाम जो घायल थे उन सभी को अस्पताल में पहुँचाया गया है। तो अलीगढ़ की तस्वीरें आप देखेंगे, सुबह सुबह यह हादसा हो गया। बता दें कि दिल्ली से फरुखाबाद के लिए ये बस जा रही थी तभी अलीगढ़ के रुरा इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इस हादसे में एक महिला की मौत हुई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। गौरीगंज मुख्यालय स्थित पुलिस कार्यालय तालाब बन गया है। एक ही बारिश में पुलिस कार्यालय में स्थित रेडियो सेक्शन, एएसपी ऑफिस सहित अन्य पुलिस के कार्यालयों में पानी घुस गया। जल निकासी की व्यवस्था सुचारू रूप से ना होने से जल भराव की समस्या लगातार बनी हुई है। मुरादाबाद में बोतल में पेट्रोल न देने पर पंप कर्मी से जमकर मारपीट की गई है। खुद को पुलिस कर्मी बताने वाले विकास नाम के युवक पर पंप कर्मी से मारपीट का आरोप है। पंप कर्मी की पिटाई का सिस्टम में फुटेज भी सामने आया। आरोपी पुलिस कर्मी ने साथी पुलिस कर्मियों को बुलाकर पीड़ित पंप कर्मी को चौकी पहुंचाया। काफी देर तक पंप कर्मी और पंप स्वामी को यहां पर अभद्रता उनके साथ करते रहे। साथी पुलिस कर्मियों के सामने भद्दी भद्दी गालियां देता रहा। खुद को एसओजी का सिपाही बताकर बोतल में पेट्रोल देने का दबाव बना रहा था। कार्रवाई न होने पर पंप स्वामी की हड़ताल पर जाने की धमकी के बाद पुलिस ने तहरीर ली है। पुलिस पर मामूली कहासुनी की तहरीर लेकर कार्रवाई न करने का आरोप लगा। थाना कटघर इलाके काशीपुर तराहा पुलिस चौकी के पास का ही पूरा मामला। फरुखाबाद में तेज रफ्तार से बाइक जा रही थी और तेज रफ्तार से वह अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होकर बाइक सड़क किनारे लगे मार्ग सूचक पट से टकरा गई। शिलान्यास पट से टकराते ही बाइक सवार की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना पर थाना मऊदरवाजा पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। थाना शमशाबाद क्षेत्र का ये पूरा मामला। संभल के बहजोई स्थित जिला मुख्यालय पर भाकियू टिकट गुटने किसान महापंचायत की हाईवे जाम कर सड़क पर बैठकर महापंचायत भाकियू कार्यकर्ता करते हुए नजर आए। ट्रैक्टर्स पर सवार होकर प्रदर्शन करते हुए किसान महापंचायत में पहुंचे। बिजली कटौती, बढ़ती महंगाई, गुन्नौर तहसील में व्यापक भ्रष्टाचार जैसी कई समस्याओं का समाधान नहीं होने को लेकर विरोध में भाकियू कार्यकर्ता उतरे थे। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा और जैसे तैसे जाम को खुलवाया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।